एवरीवन, हम लोग कहीं ना कहीं खुद को या अपने बच्चों को रोज एक बात जरूर कहते हैं कि चलो भाई दूध पी लो, दूध पीने से बोन्स हमारी स्ट्रांग होंगी। पर क्या जो हम दूध पी रहे हैं सही में उससे हमारी बोन्स स्ट्रांग होंगी? तो आज की वीडियो मेरी इसी बारे में है कि क्या मिल्क जो हम पी रहे हैं वो बेनिफिशियरी है हमारी बॉडी के लिए। अब आप सोचेंगे मिल्क मिल्क में क्या है ऐसा? मिल्क इन सेंस वी हैव फ्रेश मिल्क वर्सेस पैकेज्ड मिल्क। आज की वीडियो में मैं हर तरीके के मिल्क के बारे में आपको रिलेटिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊंगी कि हमें कौन सा मिल्क कंज्यूम करना चाहिए। अगर आपने मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम फ्रेश मिल्क के साथ। डायरेक्ट फार्म से जो घर पे मिल्क आता है उसे हम फ्रेश मिल्क कहते हैं। ये सारे जितने भी एडवांटेजेस एक्चुअली मिल्क के हैं वो फ्रेश मिल्क के होते हैं। बट यस, फ्रेश मिल्क में एक इशू रहता है कि फ्रेश मिल्क में दो बैक्टीरिया बेसिकली पाए जाते हैं जो कि थोड़े से डाइजेशन इश्यूज क्रिएट करते हैं और वो वीकर इम्यूनिटी वालों के लिए कभी कभी क्या होता है कि दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाते और उनको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो जो दो बैक्टीरिया फ्रेश मिल्क में होते हैं वो है ईकोलाई और सैल्मोनीला। ये हर तरीके के दूध में प्रेजेंट होते हैं। सिंस ये मिल्क फ्रेश है और इसमें कोई केमिकल प्रोसेसिंग नहीं हो रखी है तो ये दो बैक्टीरिया इस मिल्क में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये जो बैक्टीरिया है वो हम अपने घर में रिमूव नहीं कर सकते। इंडिया में ओल्ड एज ट्रेडिशन है कि जब भी दूध घर में आता है हम उसको बॉइल करते हैं और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं, फिर हम उसे फ्रिज में रखते हैं। तो ये प्रोसेस करने से ऑटोमेटिकली जो ईकोलाई और सैल्मोनेला बैक्टीरिया है जो कि डाइजेशन इश्यूज क्रिएट करते हैं वो मर जाते हैं। इसके आगे मैं फ्रेश मिल्क पे तब बात करूंगी जब हम रिलेटिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पैकेज्ड मिल्क के देख पाएंगे। हम पैकेज्ड मिल्क में कितने तरीके के मिल्क आते हैं, जैसे कि ये टोन मिल्क है, देन वी हैव फुल क्रीम मिल्क एंड देन वी हैव दिस टेट्रा पैक्स। अगर मैं इन जनरल इन प्लास्टिक पाउचेस की बात करूँ तो ये प्लास्टिक पाउच की वजह से क्या होता है कि मिल्क में BPA एंटर कर जाता है। BPA इज अ केमिकल विच इज बिसफिनॉल ए। मिल्क में जब ये एंटर कर जाता है तो ये वही बात हो गई जो हम बोलते हैं कि प्लास्टिक कंटेनर्स में खाना रखने से जो जो इश्यूज आते हैं तो वो इस मिल्क के साथ भी वही रहता है। ये प्लास्टिक के कुछ केमिकल्स मिल्क में लीच कर जाते हैं एंड देयरफॉर ये जो मिल्क है वो इतना फिट नहीं रहता पीने के लिए। सेकेंड प्रॉब्लम विद दी पैकेज मिल्क इज द प्रोसेस कॉल्ड पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन पहले जानते हैं क्या है। पैस्चराइजेशन लुइस पास्टर ने 1864 में इंट्रोड्यूस किया था। जो दो बैक्टीरिया मैंने आपको बताए थे वो दो बैक्टीरिया इस मिल्क में भी होते हैं। तो वो बैक्टीरिया रिमूव करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, जो प्रोसेस लगाती है वो है पैस्चराइजेशन। एक्चुअली पैस्चराइजेशन में क्या होता है कि दूध को 150 से 300 फारेनहाइट तक बॉईल किया जाता है और फिर उसे इमीडिएटली कूल किया जाता है। इस शॉक थेरेपी से बैक्टीरिया तो मर ही जाते हैं बट यस, इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल लॉस भी होता है। न्यूट्रिशनल लॉस होता है विटामिन ए डी सी एंड B12 के फॉर्म में। एंड उसके अलावा जो कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है इस मिल्क में वो एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज हो जाता है जो हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब नहीं करती। देन व्हाट दीज कंपनीज डू, दे सिंथेटिकली फोर्टिफाई द मिल्क विद दीज मिनरल्स। बट वो तो वही बात हो गई कि जैसे कि हम एक मल्टीविटामिन की पिल खा रहे हैं, जो नेचुरल मिनरल्स और विटामिन बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी उतनी अच्छी एफिशिएंसी से ये सिंथेटिकली एडेड या जिसको हम और अच्छे भाषा में बोल सकते हैं फोर्टिफाइड करना मिनरल्स और विटामिन से, वो हमारी बॉडी इतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ये प्रॉब्लम थी इन जनरल प्लास्टिक पाउचेस की या पैकेज्ड मिल्क की। फुल क्रीम मिल्क के पैकेट पे ये कहीं मेंशन नहीं है कि ये काउ मिल्क है या बफेलो मिल्क है। कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि ये मिक्स ऑफ काउ मिल्क एंड बफेलो मिल्क है। कोई प्रोपोर्शनेट मिक्स नहीं पता लग पाता हमें कि कितना काउ और कितना बफेलो मिल्क है। बट इस तरीके के मिक्सचर से क्या होता है, दोनों के प्रोटीन स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। अब दोनों प्रोटीन स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं और हमारी बॉडी को ये मिल्क डाइजेस्ट करने में इश्यूज आते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। ये तो बात थी फुल क्रीम मिल्क की। अब अगर हम आते हैं टोंड मिल्क पे,
ओन मिल्क का कॉन्सेप्ट जो है वो वेरी मच एक इंडियन कॉन्सेप्ट है और वो बेसिकली सदर्न एशियन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बनाया गया था ताकि दूध को इकोनॉमिकली लार्ज पॉपुलेशन को अवेलेबल कराया जाए। ओन मिल्क का प्रोसेस क्या होता है कि ये फैट कंटेंट को रिड्यूस करते हैं 6% से 3% एंड व्हाट दे डू फॉर रिड्यूसिंग द फैट कंटेंट, ये स्किम्ड मिल्क पाउडर को वाटर में ऐड करते हैं जिससे टोन मिल्क प्रोड्यूस होता है। हाँ, ये बात ठीक है कि इसके न्यूट्रिशन में फुल क्रीम मिल्क के कंपैरिजन में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि एक्चुअली तो दोनों में ही जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं वो फोर्टिफाई किए गए हैं, तो न्यूट्रिशनली तो ऑब्वियसली कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट बिलीव मी, टोन मिल्क पीने का तो वही मतलब है कि हम मिल्क पाउडर को पानी में डाल के पी रहे हैं बस एक पैकेज्ड फॉर्म में। अब बात करते हैं हम टेट्रा पैक्स की। टेट्रा पैक्स जो है वो पेपर बोर्ड से बने होते हैं जिसके अंदर एक प्लास्टिक लैमिनेटेड शीट होती है थिन लेयर ऑफ एल्युमिनियम के साथ और इसमें नैनो प्रिजर्वेटिव्स और कुछ और ट्रेसेस एल्युमिनियम के ऐड किए जाते हैं। टेट्रा पैक्स खुद सेल्फ सफिशिएंट मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए रहते हैं, दैट मीन्स टेट्रा पैक मिल्क जो होता है वो 4 to 6 months पुराना भी हम कंज्यूम कर सकते हैं और उसको टेट्रा पैक को रेफ्रिजरेट करने की जरूरत भी नहीं होती। मिल्क को टेट्रा पैक में डालने से पहले एक सीरीज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस किया जाता है जिसे UHT कहा जाता है और उसके बाद वो स्टेराइल टेट्रा पैक्स में मिल्क स्टोर किया जाता है। अब आप मुझे खुद बताइए, 4 to 6 months पुराना दूध अगर हम टेट्रा पैक में डाल के रखें, ठीक है माना वो खराब नहीं हो रहा, दैट मीन्स उसमें कितने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स एडेड होंगे कि वो दूध कभी ख़राब ही नहीं हो रहा है। और किसी भी कार्टन में वो कहीं मेंशन नहीं है कि प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर रहे हैं, बट आप खुद बताओ कि बिना प्रिजर्वेटिव ऐड करे इतने दिन तक दूध की शेल्फ लाइफ कैसे रहेगी। वो पैकेजिंग में ही प्रिजर्वेटिव्स हैं इसलिए उन्हें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसमें प्रिजर्वेटिव एडेड है। बिलीव मी, मैंने एक बारी टेट्रा पैक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कट करके देखा तो उसमें मुझे अंदर एल्गी दिखी, तो एल्गी और फंगस अगर अंदर होगी भी तो हमें कभी भी इस तरीके की पैकेजिंग में बाहर से नहीं दिखेगी। सो टेट्रा पैक्स तो आर अ बिग नो। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिकल भी नहीं होती, आउट ऑफ ऑल ये सबसे महंगे आते हैं, रिसाइकलेबल भी नहीं है। आफ्टर डिस्कसिंग द रिलेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑल द काइंड ऑफ मिल्क, व्हाट कम्स आउट एज अ क्लियर विनर इज फ्रेश मिल्क। हाँ, बट फ्रेश मिल्क की कुछ क्राइटेरियाज हैं जो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। फ्रेश मिल्क कैन नॉट बी जस्ट फ्रॉम अ लोकल दूध वाला जिसके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं हो। आजकल ऐसे बहुत सारे डेयरी फार्म्स हैं जो FSSAI मार्क्ड मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं ग्लास बॉटल्स में। ऑब्वियसली दे स्टैंड आउट एज अ क्लियर विनर। FSSAI सर्टिफिकेशन जब ये प्लास्टिक पाउचेस में हम उसे मानते हैं कि वो सही होगा, तो ये ग्लास बॉटल्स में भी हम मान सकते हैं कि वो मिल्क सही होगा। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो मिल्क है ये मिल्किंग के कुछ घंटों में ही हमें मिल जाता है और हम घर पे आके बॉयल करते हैं तो बैक्टीरियल ग्रोथ हमने किल कर दी और उसके अलावा इसमें कोई और प्रोसेसिंग नहीं लगी हुई है। बट हाँ, फ्रेश मिल्क शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो फ्रेश मिल्क प्रोवाइडर है, पहला पॉइंट तो वही कि वो FSSAI सर्टिफाइड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आप खुद जाके उनका फार्म हाउस विजिट करिए, क्या वहाँ पे जो काओ या बफेलो का मिल्क वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनके रहने की किस तरीके की कंडीशन है, क्योंकि ईकोलाई और सैल्मोनेला बैक्टीरिया मिल्क में खुद नहीं प्रेजेंट होता, वो काओ वेस्ट से अनहाइजीनिक कंडीशन में जब मिल्किंग होती है तब दूध में ऐड होता है। क्या वो इंजेक्शंस तो नहीं लगा रहा काओ या बफेलो को मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन नहीं लगा रहा। अगर आपको एक ट्रस्ट वर्दी फ्रेश मिल्क प्रोवाइडर मिल जाए तो आपको वही मिल्क लेना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि ये मिल्क जो ग्लास बॉटल्स में आता है वो एक्सपेंसिव होता है। अगर हम टोन मिल्क की बात करें जिसका फैट कंटेंट 3% है, उसका प्राइस है 46 rupees लीटर, और अगर फुल क्रीम मिल्क की बात करें उसका प्राइस है 56 rupees लीटर, और टेट्रा पैक का 1 liter का प्राइस है 65। हमने पिछले 1.5 years से स्विच कर लिया है पैकेट मिल्क से फ्रेश मिल्क और हमें वो मिलता है 65 rupees लीटर अगेन। आई नो इसमें 10-12 rupees ये महंगा है कंपेयर टू फुल क्रीम मिल्क, बट इकोनॉमिकली मैं इसे इस तरीके से जस्टिफाई कर सकती हूँ कि हम जो दूध उबालते हैं उसमें मलाई जमने देते हैं और वो मलाई को हटाते हैं तो हमने
फैट कंटेंट भी रिड्यूस कर दिया मिल्क का, जैसे कि कुछ लोग ज़्यादा फैटनिंग मिल्क नहीं पीना चाहते हैं, वो फुल मिल्क मत पीजिए, आप उसका मलाई उतारो तो उसका फैट कंटेंट रिड्यूस हो गया और वो मलाई से हम घर का देसी घी निकालते हैं। बिलीव मी, किसी भी ब्रांड के देसी घी से बहुत अच्छा निकलता है हमारे घर का देसी घी। मैं अपनी बेटी की फूड प्रिपरेशंस में यूज़ करती हूँ तो प्राइस तो हमें उतना ही पड़ गया। हम लोग 2 लीटर फ्रेश मिल्क यूज़ करते हैं पर डे के हिसाब से, तो 10 डेज में ऑन एंड अप्रॉक्स हमें 250 ग्राम घी मिलता है। तो आई कैन क्लियरली जस्टिफाई कि ये महंगा नहीं पड़ता, बट येस द टेस्ट ऑफ मिल्क इज़ वेरी गुड। बिना शुगर के भी ये मिल्क जब हम पीते हैं तो वो नेचुरली मीठा लगता है। एंड मेरी बेटी ने फर्स्ट करना बंद कर दिया दूध पीने के नाम, क्योंकि अब उसे ये दूध बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हमें शुरुआत में कुछ डर थे कि ये मिल्क सही होगा नहीं होगा, तो हमने पहले बहुत सारे टाइम खुद ही ये दूध पिया। जब 2-3 महीने हमने ये दूध पिया और हमें कोविड डाइजेशन इश्यूज नहीं हुए, फिर हमने अपनी बेटी का शुरू किया ये दूध, तो उसके बाद से वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दी फ्रेश मिल्क वी आर यूजिंग। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। एंड जिन लोगों ने मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड। बाय बाय।